में कोरोना वायरस की 3 वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल हो रहा है। इनमें से एक विदेशी वैक्सीन है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से इस वैक्सीन के ट्रायल और मैन्युफैक्चरिंग की डील की है। ये वैक्सीन कोविशील्ड नाम से उपलब्ध होगी। फिलहाल इसका भारत में फेज 2 ट्रायल चल रहा है। चंडीगढ़ के PGIMER में 53 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का डबल रैंडमाइज्ड ट्रायल हो रहा है। पहला डोज लगने के एक हफ्ते भर बाद तक वॉलंटियर्स में किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। यहाँ पर वैक्सीन के फेज 2 और ट्रायल 3 में 300 वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर से लगना शुरू हुए थे टीके। PGIMER में गुरुवार तक 97 वॉलंटियर्स को स्क्रीन किया जा चुका है। 25 सितंबर से अब तक 65 लोगों का टीकाकरण किया गया। संस्थान के प्रवक्ता ने कहा, जिन 65 वॉलंटियर्स को पहली डोज दी गई थी उनमें से 53 पार्टिसिपेंट्स ने बिना किसी बड़े साइड इफेक्ट के 7 दिन पूरे कर लिए। 17 जगहों पर ट्रायल में ICMR भी दे रहा है साथ। चंडीगढ़ का PGIMER देश की उन 17 लोकेशंस में से एक है जहां कोविशील्ड के ट्रायल हो रहे हैं। ये ट्रायल वैक्सीन की सेफ्टी और उसकी ह्यूमन रिस्पांस ट्रिगर करने की क्षमता को जांचने के लिए हो रहे हैं। ट्रायल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR भी मदद कर रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।